नमस्कार विद्यार्थी मित्र, मैं हूँ डॉक्टर शिवाजी उत्तम चौरे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देवूर। आज के व्याख्यान का विषय है भाषा, उसकी परिभाषा, भाषा का स्वरूप और उसकी व्याप्ति क्या है। वस्तुतः मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह परस्पर विचार विनिमय करना चाहता है। आत्मा अभिव्यक्ति की यह इच्छा मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। अपनी बात जहां वह दूसरों से कहना चाहता है, वहीं दूसरों के विचारों को ग्रहण भी करना चाहता है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अपने विचार दूसरों को सुनाना चाहता है, उसी प्रकार दूसरों के विचार भी सुनना चाहता है। आत्माभिव्यक्ति की इस इच्छा ने भाषा को जन्म दिया है। भाषा का व्यापक अर्थ क्या है? व्यापक अर्थ में भाषा के व्यापक अर्थ में वे सभी माध्यम आएंगे जिनके द्वारा मनुष्य परस्पर विचार में विनिमय करता है। इन माध्यमों में स्पर्शग्राह्य, नेत्रग्राह्य और श्रवणग्राह्य आदि तीन माध्यम महत्वपूर्ण हैं। भाषा के सीमित अर्थ में अगर हम विचार करेंगे तो भाषा विचार विनिमय का साधन है। मनुष्य उच्चारण अवयवों से निःसृत ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करता है। वह मनुष्य के उच्चारण जो अवयव होते हैं उससे निःसृत जितनी भी ध्वनियाँ उच्चारित होती है, वह सभी ध्वनियाँ सार्थक होती है। यह ध्वनि प्रतीक सार्थक होते हैं और वे विश्लेषण करने योग्य होते हैं। साधारणतः सभी ध्वनि प्रतीक जो उच्चारण अवयवों से निःसृत है, वे सभी ध्वनि प्रतीक जो है वह यादृच्छिक होते हैं। यादृच्छिक